नाइट की पार्टी से श्रद्धा कपूर के ब्रदर सिद्धांत कपूर को अरेस्ट किया गया था एज ही कंज्यूम्ड ड्रग्स, तो वही नेक्स्ट ही डे उन्हें मिल चुकी है बेल। जी हाँ, मंडे को अरेस्ट हुए शक्ति कपूर जी के सन सिद्धांत को स्टेशन बेल से मिल चुका है थोड़ा सा रिलीफ। ईस्ट बेंगलुरु के डीसीपी के अकॉर्डिंग सिद्धांत के साथ जो बाकी 4 पर्सन अरेस्ट किए गए थे उन्हें भी बेल ग्रांट हो चुकी है, बट फर्दर प्रोसीडिंग के लिए इन्हें पुलिस स्टेशन एंड कोर्ट में जाना ही होगा। डीसीपी ने ये भी रिवील किया कि एमजी रोड पर एक होटल को रेड किया गया था एज उन्हें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस पार्टी में ड्रग्स कंज्यूम किए जा रहे हैं। पार्टी में अराउंड 100 पीपल प्रेजेंट थे बट कुछ ऑलरेडी एस्केप कर चुके थे, इसीलिए सिर्फ 35% को एग्जामिन किया गया था और उनके सैंपल्स भी सेंड किए गए टू नो इफ दे हैव कंज्यूम्ड ड्रग्स और नॉट। बट पुलिस को वहाँ ड्रग्स बरामद नहीं हुए, बट आसपास एमजीएम में टैबलेट्स एंड गांजा डिस्पोज हुआ जरूर मिला, जिसके लिए पुलिस सीसीटीवी चेक कर रही है टू नो हु डिस्पोज्ड देम। अब जहाँ कल तक शक्ति जी अपने बेटे सिद्धांत के लिए ये बोल रहे थे कि ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, तो वहीं अब एक और ऐसे पर्सन है जो उतर आए हैं सिद्धांत को राइट प्रूव करने। जी हाँ, राइटर एंड डायरेक्टर सरीन मोमिन का कहना है कि वो भी सिद्धांत पर लगी इन एलिगेशंस पर बिलीव नहीं करते हैं, एज जब एक बार उन्होंने सिद्धांत के साथ फिल्म का एक करेक्टर डिस्कस किया था और बताया था कि ये करेक्टर एक रॉक स्टार का है जो ऑलमोस्ट हाई रहता है, तब इस पर सिद्धांत का कहना था दैट लेट्स नॉट अननेसेसरी शो माय करेक्टर एज समवन हु डज ड्रग्स, इट डजंट सेंड आउट अ गुड मैसेज सर। सरीन ने साथ ही सिद्धांत को एक जेंटलमैन एंड प्रोफेशनल डिस्क्राइब किया। वैसे आपको बता दे, सरीन ने सिद्धांत की कई फिल्म्स को डायरेक्ट किया है जिसमें से 2 फिल्म्स अनरिलीज्ड है, वन विल बी खबीज एंड द अदर वन विल बी अ सेक। यानी अब जो सिद्धांत की पार्टी से वीडियोस वायरल हो रही हैं उसे सच समझा जाए या फिर जो उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली हैं उनकी स्टेटमेंट्स को सच समझा जाए। फिलहाल तो पुलिस का क्लेम करना कि उन्हें ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में पाया गया है हम इसी को सच मान सकते हैं या फिर पूरी इन्वेस्टिगेशन होने तक का वेट कर सकते हैं। टिल देन फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज एंड अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू बूगल बॉलीवुड।